पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग की जाती है अब हम आपको बताते हैं। गया और यार पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग होते हैं हम आपको दिखाते हैं। पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग की जाती है अब हम आपको बताते हैं। गया और यार पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग होते हैं हम आपको दिखाते हैं। पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग की जाती है अब हम आपको बताते हैं। पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग होते हैं हम आपको दिखाते हैं। पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग की जाती है अब हम आपको बताते हैं। पंखे की मोटर कैसे रिपेयरिंग होते हैं हम आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था इनका वरना चले हिला देख लियो अरे खींच कभी नहीं आता छतरी अच्छी अरे पता ना छतरी कैसी गाड़ रहा है ऐसी वहां गाड़ का है पता ना। मैंने कहा था इनका वरना चले हिला देख लियो अरे खींच कभी नहीं आता छतरी अच्छी अरे पता ना छतरी कैसी गाड़ रहा है ऐसी वहां गाड़ का है पता ना। अब करते हैं पंखे की वायरिंग सही करते हैं। पंखे में कहां फॉल्ट है मोटर में इस मोटर की कॉइल चल रही है कॉइल बंद है। इस पंखे की मोटर काम नहीं कर रही है कोयल हमारी नीली कोयल बंद है सब कोयल चल रही है कुछ चल रही है नीली कोयल बंद है। इसकी अंदर कोयल बंद है इसमें अंदर कॉइल में करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी एक कॉइल बिल्कुल बंद है। बल्ब सही हो जाए है चार रखे हैं हमारी इसमें यहाँ तो फाल्ट था ये तार फूका हुआ था हमारा जिसके वजह से काम नहीं चल रहा था ये काम फिर आ गई है। अब इसमें पंखा सही करते हैं और हमारी मोटर ये ठीक हो चुकी है। इसमें यहाँ पे दिक्कत थी मोटर में कत्ती है और हमारी ये मोटर ये चालू हो चुकी है। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की अब आपको दिखाते हैं वायरिंग कैसे होती है मोटर की। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं अंदर ट्वेल की और हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं इधर
तो उसकी वायरिंग होती है और उसमें धक्का बांधा जाता है। उसमें धक्का कैसे बांधते हैं हम आपको धक्का बांध सिखाते हैं। इसको माटी से छोल देते हैं जिसके कारण उसका ऊपर कारण जल जाता है। और ये हमारे अंदर का तार है। पंखे क्या आवाज आएंगे वो पंखा उनका। ये हम वायरिंग कर रहे हैं पंखे की। मोटर रिपेयरिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखा रहे हैं। हम धागा लपेटते हैं इस पे। और धागा ऐसे लपेटा जाता है और ऐसे बांध देते हैं। वैसे बांध देते हैं धागे को। ये पंखे की वायरिंग हो रही है धक्के से। इसको ऐसे धक्के लगाते हैं और लपेट जाते हैं पंखे में। ये हम पंखे धागे वायरिंग कर रहे हैं। अगर से हम धागे वायरिंग ना करें तो क्या खराब हो जाती है, फैल जाती है। और हमारे पंखे वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आपको सिखाते हैं पंखा फिट कैसे होता है। काटी बंद पूरी पूरी चल गया।
और पंखे से वायरिंग कर रहे हैं। हाँ पंडित जी भेज दो, थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। पंखे की वायरिंग हो चुकी है, ये पंखे की वायरिंग हो रही है पूरी। चल रही है और ये पूरी मोटर पंखी हो चुकी है। ये मोटर पूरी हम बांध रहे हैं, तैयार कर दी हमने मोटर। इसमें हमने क्या क्या पार्ट बताया आपको, इसका ध्यान रखना आप, वो कैसे मोटर रिपेयरिंग होती है। वो कैसे कैसे धक्का लगता है, इसमें कैसे फिट होती है, अब हम आपको लोग चेक कर दिखाते हैं। कोई मोटर ओके हो चुकी है हमारी और अंदर की भाव ओके हो चुकी है, अब हम पक्का फिट करते हैं। अब करते हैं पंखे की वायरिंग सही करते हैं, इसमें पंखे में कहाँ फॉल्ट है मोटर में। इस मोटर की कॉइल चल रही है, कॉइल बंद है। इस पंखे की मोटर काम नहीं कर रही है, कॉइल हमारी नीली कॉइल बंद है, सफेद कॉइल चल रही है, कुछ चल रही है नीली कॉइल बंद है। इसकी अंदर भी कॉइल बंद है, इसमें अंदर कॉइल में करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ये कॉइल बिल्कुल बंद है। प्लग से ही हो जाए ये चार रखे हैं। हमारी इसमें यहाँ खुबैर का फाल था, ये तार फूका हुआ था हमारा, ये तो यहाँ जिसके वजह से काम नहीं चल रहा था। ये काम फिर आ गई है, अब इसके हम पंखा सही करते हैं और हमारी मोटर ये ठीक हो चुकी है।
से यहाँ पे दिक्कत थी मोटर में कटे का कटी है और हमारी ये मोटर ये चालू हो चुकी है। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की अब आपको दिखाते हैं वायरिंग कैसे होती है मोटर की। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं अंदर ट्वेल की और हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं इधर। तो इसकी वायरिंग होती है और इसमें धक्का बांधा जाता है। इसमें धक्का कैसे बांधते हैं हम आपको धक्का बांध सिखाते हैं। इसको माटी से छोल देते हैं जिसके कारण इसका ऊपर कारण जल जाता है। और ये हमारे अंदर का तार है पंखे की आवाज आई वो पंखा ये हम वायरिंग कर रहे हैं पंखे की। मोटर रिपेयरिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे हम धागा लपेटते हैं इस पर और धागा ऐसे लपेट जाता है और ऐसे बांध देते हैं। ऐसे बांध देते हैं धागे को वायरिंग हो रही है धक्के से। इसको ऐसे धक्के लगाते हैं और लपेट जाते हैं पंखे में। ये पंखे धागे वायरिंग कर रहे हैं। अगर से हम धागे वायरिंग ना करें तो क्वेट खराब हो जाती है तो फैल जाती है।
और हमारे पंखे वायरिंग पूरी हो चुकी है, अब हम आपको चलाते हैं पंखा फिट कैसा होता है। और पंखे से वायरिंग कर रहे हैं आप, पंडित जी भेज दो थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। पंखे की वायरिंग हो चुकी है, ये पंखे की वायरिंग हो रही है पूरी। चल गई दस मिनट होगी और ये पूरी मोटर पंखी हो चुकी है। ये मोटर पूरी हम बांध रहे हैं, तैयार कर दी हमने मोटर। इसमें हमने क्या क्या पार्ट बताया आपको, इसका ध्यान रखना आप, वो कैसे मोटर रिपेयरिंग होती है। वो कैसे क्या धक्का लगता है, इसमें कैसे फिट होती है, और हम आपको मोटर चेक कर दिखाते हैं। और अंदर की भाग ओके हो चुकी है, अब हम पक्का फिट करते हैं। चलो अच्छे रोक रहे, अब करते हैं पंखे की वायरिंग सही करते हैं। पंखे में कहाँ फॉल्ट है मोटर में, इस मोटर की कॉइल चल रही है, कॉइल बंद है। इस पंखे की मोटर काम नहीं कर रही है, कॉइल हमारी नीली कॉइल बंद है, सफेद कॉइल चल रही है, तो चल रही है नीली कॉइल बंद है। इसकी अंदर कॉइल बंद है, इसमें अंदर कॉइल में करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ये कॉइल बिल्कुल बंद है। प्लग सही हो जा रही है, $10
जो कल को आगे ठत्ता लाइए चार पांच चार रखे हैं हमारी इसमें यहाँ खुबैर तो फालता ये तार फूका हुआ था हमारा ये तो आगा जिसके वजह से काम नहीं चल रहा था ये काम फिर आ गई है अब इसके हम पंखा सही करते हैं और हमारी मोटर ही ठीक हो चुकी है इसमें यहाँ पे दिक्कत थी मोटर में कत्ती है और हमारी ये मोटर ये चालू हो चुकी है अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की अब आप फिर कहते हैं वायरिंग कैसे होती है मोटर की अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं अंदर ट्वेल की और हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं इधर तो इसकी वायरिंग होती है और इसमें धक्का बांधा जाता है इसमें धक्का कैसे बांधते हैं हम आपको धक्का बांध के दिखाते हैं इसको माटी से छोल देते हैं इसके कारण इसका ऊपर कारण जल जाता है और ये हमारे अंदर का तार है पंखे की आवाज आएंगे वो पंखा ये हम वायरिंग कर रहे हैं पंखे की मोटर रिपेयरिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखा रहे हैं अब हम धागा लपेटते हैं इस पर और धागा ऐसे लपेट जाता है और ऐसे बांध देते हैं ऐसे बांध देते हैं धागे को ये पंखे की वायरिंग हो रही है धागे से इसको ऐसे धक्का लगाते हैं और लपेट जाते हैं पंखे में दस बता रहा हूँ
ये पंखे धक्के बाजी कर रहे हैं, अगर से हम धक्के बाजी ना करें तो चूहे खा जाती है, तो फैल जाती है। और हमारे पंखे वायरिंग पूरी हो चुकी है, अब हम आपको चलाते हैं पंखा फिट कैसे होता है। और पंखे से वायरिंग कर रहे हैं, हाँ पंडित जी भेज दो, थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। पंखे की वायरिंग हो चुकी है, ये पंखे की वायरिंग हो रही है पूरी। चल गई दस मिनट होगी और ये पूरी मोटर पंखी हो चुकी है, ये मोटर पूरी हम बांध रहे हैं, तैयार कर दी हमने मोटर। इसमें हमने क्या क्या पार्ट बताया आपको, इसका ध्यान रखना आप, वो कैसे मोटर रिपेयरिंग होती है। वो कैसे क्या धक्का लगता है, इसमें कैसे फिट होती है, अब हम आपको मोटर चेक कर दिखाते हैं। और अंदर की बाल ओके हो चुकी है, अब हम पक्का फिट करते हैं। अब करते हैं पंखे की वायरिंग सही करते हैं, पंखे में कहाँ फॉल्ट है मोटर में। इस मोटर की कॉइल चल रही है, कॉइल बंद है, इस पंखे की मोटर काम नहीं कर रही है, कोयल हमारी नीली कोयल बंद है, सफेद कोयल चल रही है, तो चल रही है नीली कोयल बंद है। इसकी अंदर कोयल बंद है,
उसमें अंदर कोयल में करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, एक कोयल बिल्कुल बंद है। प्लग से ही हो जाए कार पर लगेंगे दो तीन पड़े हमारे कोयल कंट तो कंट आ रहा है 10 रुपए लगोगे इसमें कोयल में करंट नहीं आ रहा है 7 रुपए ठीक हो जाएगा तब आराम से पट्टे पर रखे हुए सब तो जो कल को आगे मैंने ठत्ता लाई जो चार पांच चार रखे हैं हमारी इसमें यहाँ कुबेर फाल्ट था, ये तार फूका हुआ था हमारा जिसके वजह से काम नहीं चल रहा था, ये काम फिर आ गई है अब इसमें पंखा से करते हैं और हमारी मोटर ये ठीक हो चुकी है। इसमें यहाँ पे दिक्कत थी मोटर में कत्ती का कत्ती है और हमारी ये मोटर ये चालू हो चुकी है अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की करिए अभी तब से हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की। अब आप फिर कहते हैं वायरिंग कैसे होती है मोटर की। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं अंदर कोयल की और हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं इधर तो इसकी वायरिंग होती है और उसमें धक्का बांधा जाता है। इसमें धक्का कैसे बांधते हैं हम आपको धक्का बांध सिखाते हैं। इसको माटी से छोल देते हैं इसके कारण इसका ऊपर कारण जल जाता है। और ये हमारे अंदर का तार है पंखे के आवाज आई पंखे ये हम वायरिंग कर रहे हैं पंखे की। मोटर रिपेयरिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखा रहे हैं। अब हम धागा लपेटते हैं इस पर और धागा ऐसे लपेट जाता है और ऐसे बांध देते हैं इसमें। ऐसे बांध देते हैं धागे को
सारी वायरिंग हो रही है धक्के से, इसको ऐसे धक्के लगाते हैं और लपेट जाते हैं पंखे में। ये पंखे धागे वायरिंग कर रहे हैं, अगर से हम धागे वायरिंग ना करें तो फैट खराब हो जाती है, तो फैल जाती है। और हमारे पंखे वायरिंग पूरी हो चुकी है, अब हम आपको चलाते हैं पंखा फिट कैसे होता है। और पंखे से वायरिंग कर रहे हैं आपने, भेज दो थोड़ा काम कर दो मैं, पंखे की वायरिंग हो चुकी है। ये पंखे की वायरिंग हो रही है पूरी, वायरिंग कर रहे हैं। चल गई रही दस मिनट होगी वाली। और ये पूरी मोटर पंखी हो चुकी है, ये मोटर पूरी हम बांध रहे हैं तैयार कर दी हमने मोटर। इसमें हमने क्या क्या पार्ट बताया आपको, इसका ध्यान रखना आप, वो कैसे मोटर रिपेयरिंग होती है। वो कैसे क्या धक्का लगता है, इसमें कैसे फिट होती है, अब हम आपको मोटर चेक कर दिखाते हैं। और अंदर की बाल ओके हो चुकी है, अब हम पक्का फिट करते हैं। चलो रोक दे फिलहाल, अब करते हैं पंखे की वायरिंग सही करते हैं, इसमें पंखे में कहाँ फॉल्ट है मोटर में। इस मोटर की कॉइल चल रही है, कॉइल बंद है, इस पंखे की मोटर काम नहीं कर रही है, कोयल हमारी नीली कोयल बंद है, सब कोयल चल रही है, तो चल रही है नीली कोयल बंद है। इसकी अंदर कोयल बंद है,
इसमें अंदर कोयल में करंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ये कोयल बिल्कुल बंद है। प्लग से हो जा रहा है, कार पर लगेगा हमारी इसमें यहाँ कुबेर का फॉल्ट था, ये तार फूका हुआ था हमारा, आ जाइए तो यहाँ का जिसके वजह से काम नहीं चल रहा था, ये काम फिर आ जाइए। अब इसको हम पंखा से करते हैं और हमारी मोटर ये ठीक हो चुकी है, इसमें यहाँ पे दिक्कत थी मोटर में, कत्ती का कत्ती है और हमारी ये मोटर ये चालू हो चुकी है। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की, अभी तब के हम वायरिंग कर रहे हैं मोटर की। अब आपको दिखाते हैं वायरिंग कैसे होती है मोटर की। अब इसकी हम वायरिंग कर रहे हैं अंदर ट्वेल की, और हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं इधर, तो उसकी वायरिंग होती है और उसमें धक्का बांधा जाता है। उसमें धक्का कैसे बांधते हैं हम आपको धक्का बांध सिखाते हैं। इसको माटी से छोल देते हैं, इसके कारण उसका कारण जल जाता है। और ये हमारे अंदर का तार है, पंखे की आवाज आई, पंखा ये हम वायरिंग कर रहे हैं पंखे की। मोटर रिपेयरिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे हम धागा लगे रहते हैं इस पर, और धक्का ऐसे लपेटा जाता है और ऐसे बांध देते हैं। ऐसे बांध देते हैं धागे को,
ये पंखे की वायरिंग हो रही है धक्के से, इसको ऐसे धक्के लगाते हैं और फिर जाते हैं पंखे में। दस पेयर बता रहा हूँ ये पंखे धागे वायरिंग करते हैं। अगर से हम धागे वायरिंग ना करें तो क्वैक खराब हो जाती है, फैल जाती है। और हमारे पंखे की वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आपको सिखाते हैं पंखा फिट कैसे होता है। और पंखे से वायरिंग कर रहे हैं। आपने भेज दो, थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। पंखे की वायरिंग हो चुकी है। ये पंखे की वायरिंग हो रही है पूरी। वायरिंग कर रहे हैं। चल गई है दस मिनट होगी वाली। और ये पूरी मोटर पंखी हो चुकी है। ये मोटर पूरी हम बांध रहे हैं, तैयार कर दी हमने मोटर। इसमें हमने क्या क्या पार्ट बताया आपको, इसका ध्यान रखना आप, वो कैसे मोटर रिपेयरिंग होती है। वो कैसे क्या धक्का लगता है, इसमें कैसे फिट होती है। अब हम आपको चेक कर दिखाते हैं। और अंदर की भाव ओके हो चुकी है। अब हम पक्का फिट करते हैं। चलो इसे रोक देना, थोड़े मोटे फिट कर रहे हैं। हल्की हल्की सेटिंग करो, हल्की हल्की बजाओ, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। और
फोटो टू ले आ गए किस पंखे वायरिंग कर रहे हैं हम ओके हो चुका है कर रहे हैं तो चेक करते हैं दो तार आपस में दो अंदर बाहर का और ये छोटा कंटेनर बांध दो टाई कर लो ये चार तार होते हैं दो लाल और दो सफ़ेद ये एक लाल इसमें कंडेंसर बांध दो और दूसरा एक सफ़ेद और एक कंडेंसर का ये भी दोनों कंडेंसर बांध दो और एक सफ़ेद और एक लाल ये दोनों डायरेक्ट बांध दो पंखा बिल्कुल ओके हो चुका है तीन और हर पंखा घूम चुका है हो गया और उधर कब उतना पंखा